कक्षा 6 से 8वीं तक विज्ञान में AI व कोडिंग की पढ़ाई। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान ने तैयार किया पाठ्यक्रम। विज्ञान की किताब में विशेषज्ञों ने कक्षावार बढ़ाए पेज। बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालयों में 6 छात्रों को विज्ञान विषय में डिजिटल लिटरेसी, कम्प्यूटेशनल थिंकिंग, कोडिंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी शिक्षा दी जाएगी। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम तैयार किया है। विज्ञान की किताब के अंतिम भाग में कंप्यूटर के चैप्टर के स्थान पर यह विस्तृत पाठ्यक्रम जोड़ा गया है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान से इसी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT लखनऊ को भेजा जा चुका है। नई शिक्षा नीति में वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम तैयार कर चरणबद्ध ढंग से पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। कक्षा 6, 7 और 8 में अभी विज्ञान विषय में कंप्यूटर की भी पढ़ाई होती थी, जिसमें यह अध्याय विस्तृत नहीं। संस्थान में विज्ञान समन्वयक मंजूषा गुप्ता ने बताया है कि कक्षा 6 में कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जनरल सोच, स्क्रैच, पाइथन और इंटेलिजेंस का अध्याय शामिल किया गया है। इस तरह कक्षा 7 में कंप्यूटर में इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तार्किक सोच, स्क्रैच द्वारा कोडिंग, पाइथन टोकन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ा गया है। AI में AI के विकास के बारे में तो पढ़ाया ही जाएगा, साथ ही सीखने की प्रक्रिया और इसके प्रकार व दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में भी छात्र पढ़ेंगे। इसके अलावा कक्षा 8 विज्ञान क्षेत्र में विज्ञान विषय में विद्यार्थी नेटवर्किंग और साइबर सुरक्षा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, स्क्रैच द्वारा कोडिंग, पाइथन में यूजर इनपुट के साथ साथ डेटा व AI भी विस्तार से पढ़ेंगे। 8वीं में AI चैप्टर में AI के लाभ, उसके हानि, AI की सीमाएं व AI के नैतिक मूल्य का अध्ययन करेंगे।